हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तोते ने विपक्षी एकता को किया और मजबूत। एसपी बीएसपी ने पहली बार की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। कांग्रेस सांसदों का भी मिला समर्थन। कहा गठबंधन रोकने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ अवैध खनन मामले में कसे जा रहे सीबीआई के शिकंजे की आंच संसद तक पहुंच गई है। राज्यसभा में इस मसले पर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस एसपी बीएसपी नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी की। एसपी बीएसपी ने पहली बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि पासा उल्टा भी पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इन्हें यूपी में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर किसी दूसरी जगह से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर हम सड़कों पर उतरे तो इनकी सरकार के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। वहीं बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने सीबीआई जैसी संस्था को धराशायी कर दिया है। जो सीबीआई का दुरुपयोग करने की धमकी और सीबीआई के लिए आप निर्देश देने का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल खुलासा हो रहा है कि आज जिस संस्था के ऊपर एक जमाने में लोगों को विश्वास होता था, उसको इन लोगों ने बिल्कुल धराशाही कर दिया है। और जितनी संस्थाएं इस तरह की केंद्र की हैं, जैसा कि रामगोपाल जी ने कहा, उन सबको आपने खत्म करके, डेमोक्रेसी इस देश की खत्म करके आप यहां पर एकदम अराजकता की बात करना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विरोधी पार्टियों के खिलाफ एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। यूपी में गठबंधन ना हो सके, इसीलिए पौने पाँच साल के बाद अखिलेश यादव से पूछताछ हो रही है। तोते को लेकर विपक्षी दलों ने एकजुटता का परिचय दिया तो बीजेपी नेता सीबीआई के बचाव में उतर आए। इसकी जो जांच एजेंसियां हैं, वह जांच की प्रक्रिया पूरी करती हैं और इस देश के किसी सिस्टम के अंदर यह व्यवस्था नहीं है कि जब चुनाव होने वाले हों और उसके 6 महीने पहले जांच एजेंसियों के कार्यालय में ताला लगा दिया जाए। और अभी तो छापा जो हमीरपुर की डीएम रही उनके यहाँ पड़ा है, तो ये पहले से क्यों घबरा रहे हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। इससे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। केंद्र सरकार का तोता कहे जाने वाले सीबीआई ने बीजेपी के राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की या नहीं, ये तय करना हमारा काम नहीं है। देश की जनता सब समझती है, लेकिन इतना जरूर है कि इस कार्रवाई ने विपक्षी एकता को कमजोर करने की जगह उन्हें और मजबूत किया है। हो सकता है कि माया अखिलेश यूपी में बन रहे गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं करते, लेकिन बदली राजनीतिक परिस्थिति, अगर कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माया अखिलेश भी जानते हैं कि एकता में ही बल है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।